Hi. द अर्थ जो संस्था है वो एक एंटी ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग संस्था है। हम वेरियस अलग अलग इशूज पे काम करते हैं, अलग मेनली जो हमारा फोकस है वो सेक्स ट्रैफिकिंग पे है, पर उसी दौरान हमने कई जो बेगरी है उस पर भी काम किया है। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेगरी के बारे में ये है कि इसके ब्रॉडली तीन रीजन है ना। एक रीजन वो है जहाँ पे अगर एक व्यक्ति गरीबी की वजह से या वो व्यक्ति फिजिकली या मेंटली फिटनेस डिसेबिलिटी की वजह से कहीं पे सर्वाइवल के लिए ना बेगिंग में आता है। दूसरा कैटेगरी जो हमें लगता है वो ये है कि वो व्यक्ति इजी मनी के लिए और या अगर वो एल्कोहलिक है इस रीजन से अपनी नीड पूरा करने के लिए वो बेगिंग करता है। और जो तीसरी कैटेगरी जो हमने पाई है वो है ट्रैफिकिंग, जिसके अंदर स्पेशली हमने पाया है कि बच्चे लोगों को ट्रैफिक किया जाता है और बैगिंग करवाया जाता है। हमने गोवा में भी कुछ केसेस पाए हैं ना, जहाँ पे जो किंग पिन है जो कर्नाटक में बेस है और यहाँ पे बच्चे लोगों से बैगिंग करके सर्वाइव करते हैं। जहाँ तक सवाल ये होता है कि अगर बैगिंग चल रहा है अगर क्या करना चाहिए, इसके लिए कानून बहुत ही क्लियर है। अगर हमारा जो कानून है वो बॉम्बे बैगिंग प्रिवेंशन एक्ट 1959 के मॉडल पे बेस है, जिसके अंदर बैगिंग इज ए क्राइम। उसके साथ ही साथ अगर हम देखने जाएं जहाँ तक बच्चों की बात कर रहे हैं तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है और गोवा चिल्ड्रंस एक्ट है, उसके अनुसार कोई भी बच्चे को बैगिंग के लिए अगर यूज करता है तो वो क्राइम कर रहा है। और जो बच्चा बैगिंग में है द चाइल्ड इज इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, और जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी है उसको इंटरवीन करना चाहिए, बच्चे लोगों को रेस्क्यू करना चाहिए और उनको शेल्टर में रखना चाहिए, उनका रिहैबिलिटेशन करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम पाते हैं ना कि गोवा में अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही है। गोवा बिकॉज ए टूरिस्ट स्टेट है ये वल्नरेबल है जहाँ पे कि बैगिंग तो होगा ही, एक एक बड़ा मार्केट है बैगिंग के लिए और इसके लिए कुछ लोग अपने आप और कुछ लोग ट्रैफिक करके इसमें डाले जाते हैं। जहाँ तक सवाल होता है कि जो दो बच्चे जो बैगर्स के थे उनको किडनैप हुआ, एक इससे कुछ साल पहले मारगांव में हुआ था और अभी जो रिसेंटली वास्को में हुआ है, डेफिनेटली अगर आप स्ट्रीट पे रहेंगे तो वल्नरेबल है, वल्नरेबल है किडनैपिंग के लिए, वल्नरेबल है सेक्सुअल वायलेंस के लिए। हमने रिसेंटली सालगांव का लॉ कॉलेज के स्टूडेंट के साथ मिलकर एक स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने ये समझने की कोशिश की थी कि जो लोग स्ट्रीट पे रह रहे हैं वो कितने सेफ हैं। अगर आप वास्को की देखने जाएं तो जो लोग हैं वो रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं, साई बाबा टेम्पल के पास रहते हैं, अन्नपूर्णा होटल के पास रहते हैं, अगर म्यूनिसपालिटी के बाहर लोग रहते हैं, तो ये सब जो जगह है यहाँ पे वो लोग रात को रहते हैं, जिसके अंदर बच्चे विमेन और मेन सभी लोग शामिल हैं। हमने ये पाया अपने स्टडी के दौरान कि यहाँ पे कहीं पे भी अगर जो सीसीटीवी कैमरा है अगर वो नहीं, तो इसीलिए अगर एक तो ये है कि आप अगर स्ट्रीट पे रहेंगे तो अब्यूज तो होगा ही, होने के हाई चांसेस हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर ये सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो वो भी एक होता है कि डिफिकल्ट होता है जो लोग वायलेंस करते हैं, जो लोग क्राइम करते हैं उनको ट्रेस करने के लिए। ये खुशी की बात है कि दोनों केसेस में कोलवा का हो या वास्को का हो कि बच्चा ट्रेस हो गया और उनके पेरेंट्स को उनको दे दिया गया है, पर कहीं पे जरूरी है कि प्रिवेंशन किया जाए। और प्रिवेंशन का मतलब ये है इट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर बच्चे लोग हैं बैगिंग में तो कहीं पे उनको रेस्क्यू किया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए ये बच्चे कौन है, क्या ये उनके बच्चे हैं जो एडल्ट इनके साथ है। जरूरी है कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए और सिर्फ सर्टिफिकेट के बेसिस पे उनकी कस्टडी में ना छोड़ा जाए। और जहाँ तक एडल्ट है आई थिंक इट रिक्वायर्स अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम। अगर उनको अगर डिसेबिलिटी की वजह से है तो वी नीड टू डू रिहैबिलिटेशन, पर अगर कोई हैबिचुअल हो गए हैं सो अगर के कानून में व्यवस्था है इट इज नॉन अवेलेबल ऑफेंस, दे शुड बी अरेस्टेड एंड स्ट्रिक्ट एक्शन टू बी टेकन। समस्या ही
तकलेर फादर दौरला भी समस्या ही जी मुरमुगांव तालुका नगर वास्तु वाटर भिकार जे बेगर्स एक थोड़े परिस्थिति बेगर चलने थोड़े प्रिटेंट बी बेगर्स फाला को हल्लो के लेडिजांक धरले वाटर चलता कालोकान जो खरी मोटो हजेर इश्यू जापी शक्यता आसा। आता तुम्हें पैले आसले फाटी बेगर्स किडनेपिंग केस जाले ते बेगर्स म्हाका सांग तुम्ही बेगर्स परिस्थिती तुमका वाईट जर हेतून दिशेन हाडला जाल्यार तुम्ही एक कडले किडनेपिंग केसी सारखे तुम्ही जर फुडें वयता जाल्यार तुमचे बेगरचे खंय तरी कडक कारवाई जावपाची गरज आहा। आयज मुरमुगांव तालुका जो लोक आयज पळयता परिस्थिती जी निर्माण जाल्ली आसा बेगर्साची दामोदर देवळा कडेन पळया तुम्ही सकाळी येवन झुंड भरलेली आसा बेगर्साची आणि खंय तरी कॉन्ट्रॅक्ट चालला हेच्या फुडल्या फाटल्यान हेचेरूय प्रश्न चिन्ह पडटा की बेगर्सांचे कोण तरी गॉड फादर आहा तांकां बसून ते बॉम्बे स्टायल करता काय सर हेचेरूय खंय तरी जे प्रशासन आनी हेचेर लक्ष घालपाची गरज आहा। लॉ एंड ऑर्डर पुलीस डिपार्टमेंट हेचेर लक्ष घालपाची गरज आहा कारण हे फाल्यां अशें जावंक जायना की चलता चलता खंयचे चेडवाचेर जावं बायलेचेर तेंच्यानी हात घातलो जाल्यार मंगळसूत्र मारले जाल्यार कितें धाकटी भुरगीं घेवन वयता किडनेपींग जाले जाल्यार खंय तरी ह्यो विशय वाडोवंक शकता तेच्या उपरांत चर्चा करून ही व्यर्थ जाता मागीर चर्चा करून कांय फायदो नासता चर्चेच्या पयली विशय घेवन हेचेर सोल्युशन काडपाची गरज आसता। सो मागता ऑथॉरिटी कडेन पुलीस डिपार्टमेंट हायर ऑथॉरिटी म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन सीओ हेचेर ताबडतोब कितें तरी सोल्युशन काडचें भिकारे जे बेगर्स आहा तांकां खंय तरी वेवस्था करची कारण हे जे सिटीन बसता हेंका खंय तरी बंदी हाडपाची गरज आहा। बेगर्स हे सगळ्या कडेन जाल्लेले आहा वास्कोन सिटीन जर तुमी पळयत जाल्यार सगळ्या कडेन हे बेगर्स देवूळ म्हण आमची मस्जिद म्हण चर्ची भायर जेन्ना फंक्शन्स आसता सद्दां ते बेगर्स येतात लोकांक सतयतात इवन म्युनिसिपालिटीचे भायर तुम्ही पळयतले फुटपाथीर ते तेंच्यांनी आगोवन वचून घाण केल्लेली आहा तांकां विचारपी कोणूच ना आनी ते मल्टिप्लाय जायत आसा बेगर आनी वायट गोश्ट दिसता म्हटल्यार ते ल्हान ल्हान जाल्ले भुरग्यांक घेवन भीक मागपाक भोंवतात तेंची परिस्थिती तांकां खबर आसतली हांव कांय म्हणना तेजेर पण हे जे बेगर्स जे वाडटा पळय तितून आमचे गोंय राज्याचे आमचे एक हे जाता की नेगेटिव्हिटी स्प्रेड जाता इवन ट्युरिस्ट येता पळय तांकां पासून सतयतात आमी गोंयकार जावन बाजारांत वयता आमकां सतयत आसता ते वयता ते बेगर्स सो कन्सर्न ऑथॉरिटीन हेजेर लक्ष घेवचे आनी फायंड आउट करपाचे बाबा ते खंयच्यान येता येवन मल्टिप्लाय कशें जाता तेंच्या गांवान तांकां परत धाडचे कित्याक एक सामके इरिटेशन जाल्लेले आहा वास्को सोड आखे गोंयभर सो इतलीच म्हाजी मागणी आहा तुमचे कडेन कितें जाता इतले बेगिना तांकां खंय तरी तडीपार करचे।